जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हो रोज, राम नाम की शक्ति को भी जान लो। एक बार बोलने मात्र से, सिर्फ एक बार बोलने से असाध्य बीमारी दूर हो जाती है। छोटी बीमारियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, और अगर आप रोज बोलोगे तो जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, और निरंतर बोलते रहोगे तो कोई बीमारी आएगी नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि बीमारी क्यों आती है। सब एक घर में एक जैसा भोजन खाते हैं, एक बीमार हो जाता है दूसरा नहीं होता। अगर भोजन से बीमारी हो तो एक हो जाता है दूसरा क्यों नहीं होता। देखा है ना आपने, घर में पांच आदमी, एक को कैंसर हो गई, सभी वही भोजन खा रहे हैं, उसको क्यों हो गई भाई? कहते उससे सिल्वर वगैरह से होती है, तो सिल्वर में सभी बना के खा रहे थे, उसी को अकेले को हुई। ये तो एक बहाने हैं कि उससे हो गई उससे हो गई। मेन कारण क्या होता है बीमारी आने का? हम जो कर्म करते हैं, चाहे हम अच्छा करते हैं तो अच्छा कई गुना होकर मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा भी कई गुना होकर मिलता है, ब्याज के समेत। तो जो हमने कर्म किए इसी जन्म में नहीं, हमने जाने कितने जन्म ले चुके हैं, भगवान भी हम बन चुके हैं, विष्णु राम कृष्ण सब कुछ बन चुके हैं, कीड़ी मकोड़ी, क्योंकि 84 लाख योनियां होती है और 4 युग बीत चुके हैं। एक ही युग में हम अनेक बार जीते हैं और मरते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि हर जीव में भगवान है, और चाहे चींटी है चाहे हाथी है चाहे मनुष्य, सब में जीव यानी कि आत्मा वही है बराबर सब में। तो अनेक जन्म हम ले चुके, अनेक जन्मों में आप जानते हैं कितने हमने कर्म किए हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आपने कोई बुरा कर्म किया है, आप क्या कहोगे? नहीं, हम तो बिल्कुल बुरा कर्म नहीं करते, कहोगे या नहीं? लेकिन सबको पता है अंदर से कि किसने क्या किया है, पता है सबको। किसी का आपकी वजह से गलती से भी दिल दुख गया ना, गलती से भी, तो भी कर्म बन जाता है। कुछ ना भी किसी का करोगे ना तो भी कर्म बनता है। अब ये कमरा है, मैं इसकी रोज सफाई करती हूं, अगर मैं इसको बंद करके एक महीने के लिए घर से चली जाऊं तो मैं आऊंगी तो क्या होगा? कमरा गंदा हुआ मिलेगा ना, यानी कुछ भी किसी ने यूज नहीं किया फिर भी ये गंदा हो गया। ऐसे ही हमारा मन भी है, अपने आप भी वो गंदा हो जाता कुछ ना भी करोगे तो। और आजकल तो क्या है, किसी से कुछ बात कहनी है तो कहेंगे, कह देते चलो, अगर बुरी लगी तो कह देंगे मजाक कर रहे थे, होता है ना ऐसा। उसको अगले का दिल दुख गया, बात बात में कोई ऐसा तन्ना मार दिया, अगर मेरे दिल को वो बात चुभ गई ना तो मेरा दिल को बुरा लगा, आपका कर्म बन गया। आप चाहे इस बात को माने चाहे ना माने, जिस प्रकार मन से जप करने का 1000 गुना फल मिलता है ना, ऐसे ही मन से सोचने का, किसी के बारे में सोच भी लेते हो तो 1000 गुना ज्यादा आपको उसका बुरा फल मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा। वाणी से बोल के किसी को गाली दे दी फिर भी 10% मिलेगा, और मन में सोच लिया ना तो 1000 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है उसका, 1000 गुना होकर लौट के आपके पास आएगा वो, चाहे आए किसी जन्म में, जरूरी नहीं इसमें आ जाए, न जाने कौन से पुराने जन्म की फाइल खुल जाती है और हमारे वो दुख सामने आते हैं। फिर जो हमने पहले कर्म किए वो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, दुख कराया था किसी का तो दुख के रूप में आया है वो, और दुख कैसे आएगा, या तो कोई जीवन में समस्या आ जाएगी, किसी चीज में घाटा हो जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, शरीर में बीमारी आएगी, वो कर्म के रूप में दुख बन के हमारे सामने बीमारी का रूप लेकर आई है। तो क्या करें कि वो कर्म कट जाए? कोई दुनिया में उपाय है जो कर्मों को काट दे? नहीं, एक उपाय था और एक ही रहेगा, और उस उपाय को कोई करता नहीं है। कोई भी आप उपाय कर लेना, व्रत दान तप यज्ञ सेवा, कर्म नहीं कटेंगे, पुण्य आपका बढ़ जाएगा उनके करने से, लेकिन कर्म कटेंगे नहीं। इस जन्म में पुण्य बढ़ जाएगा, उसका फल आपको बाद में मिलेगा, हो सकता है इसमें भी मिल जाए, लेकिन जो कर्म पहले आपने कर रखे है ना वो नहीं कट सकते इनसे। उनको काटने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान का नाम। अब वो कौन सा नाम है उसको भी नहीं जानते लोग, वाणी से बोलने से नहीं कटेंगे कर्म, कभी भी नहीं कटेंगे। वाणी से बोलने से आपको फल मिल जाएगा, जीवन थोड़े से दिन के लिए सुखी हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए। आपने भी देखा होगा किसी ने बता दी
आप पूजा कर लो, घी का दिया जला लो, किसी को कुछ दान कर दो, ये किस दिन ये कर लो वो कर लो, बहुत से उपाय बताए जाते हैं। तो क्या होता है उन उपायों के करने से आपके घर में कुछ दिन के लिए शांति आ जाती, आती है या नहीं आती है ना। लेकिन जैसे ही उस उपाय का असर खत्म होता है दोबारा से दुख आ जाता है, सुख खत्म दुख आ गया। तो ऐसा जीवन भर लगा रहता है, सबको पता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि स्थायी उपाय किया ही नहीं दुखों को दूर करने का। भाई स्थायी उपाय करोगे तो स्थायी लाभ होगा। जबकि भगवान नाम के लिए यह कहा गया कि एक बार कोई बोल दे एक बार, तो अनंत जन्मों के पाप एक बार बोलने से भस्म हो जाते हैं, ऐसे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन उस नाम को पहले जानना पड़ता है कि भगवान का वो नाम है क्या, क्योंकि जितने भी ये नाम हैं राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान, ये क्या हैं? ये गुणवाचक नाम है। जैसे कोई किसी ने वकालत कर ली तो उसको वकील का नाम दे दिया जाता है, किसी ने टीचर का कोर्स कर लिया तो उसको टीचर का नाम दे दिया। ऐसे ही भगवान राम सब में रमण करते हैं तो उनको राम का नाम दे दिया गया। भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं तो उनको कृष्ण का नाम दे दिया गया। ये उनके गुणों का वर्णन करने के लिए नाम है परमात्मा के। जितने भी ये देहधारी अवतार हुए हैं ये देहधारी हैं, लेकिन जो वो परमात्मा है ना उसकी कोई देह नहीं, वो निराकार, इन सबका बाप है वो, इन सबसे ऊपर है वो। तो उसी के नाम को जानना है हमें। उसके नाम को जब आप जान लोगे ना तो पूर्ण शांति मिलेगी, पूर्ण सुख मिलेगा। और एक बार उस नाम को बोलते ही गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है, और जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। उस नाम को कल्प वृक्ष कहा है। क्या कहा है? कल्प वृक्ष का क्या मतलब होता है? एक वृक्ष होता है, उससे जब आप मांगो कुछ भी, मांगते ही वो चीज हाजिर हो जाती है, मांगते ही। तो भगवान के नाम की मतलब उस वृक्ष की तुलना भगवान के नाम से की, क्योंकि भगवान का नाम भी कल्प वृक्ष है, क्योंकि भगवान से जो मांगो आपको वो मिल जाएगा। भगवान के नाम को कामधेनु कहा गया है, उससे जो मांगो मिल जाएगा। लेकिन तब मिलेगा, थोड़ा बहुत तो पहले दिन से ही मिलने लग जाएगा, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल पड़े हो। पूर्ण, पूर्ण का मतलब हमने संकल्प दिया तुरंत आराम हो गया, ये उस नाम को जानने के बाद ही होता है। आपने मांगा मेरे को करोड़ रुपए मिल जाए, मिल जाएंगे, उसका काम है देना, लेकिन उस नाम को जानना पड़ेगा। उसी नाम को जो हमारे भीतर है, और वो नाम बाहर कहीं नहीं है, ना मंदिर में मिलेगा, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में, ना काबा कैलाश में, ना एकांत में, ना पिंड में, ना प्राण में। कहाँ है वो? कबीरदास ने कहा है सब सांसों की सांस में, क्योंकि भीतर है तो सांसों से भीतर उतरा जाता है। श्वास ही वो रास्ता है जिससे आप भीतर उतरोगे, जिसके लिए कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया जानत नहीं। उस राम को दुनिया जानती नहीं है। दुनिया कौन से राम को जानती है? जो दशरथ के घर जन्मे उनको जानती है। लेकिन जो दशरथ के घर भी जन्मे हैं उन्होंने भी उस राम को जाना जो उसके भीतर है, इसीलिए सब उनकी पूजा करते हैं। तो यदि हम भी उस राम को जान लें जिस राम को दशरथ के घर जन्मे राम ने जाना, कृष्ण ने जाना, हनुमान ने जाना, सब ने जाना, तो हमारी भी पूजा होगी। लिख लो ही आप ये, इसमें 1% भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति उस नाम को जान लेता है उसका पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। जितने भी संत हैं जिनका आज नाम है उन्होंने जाना हुआ है, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पिछले जन्म में उसको जान करके और आज वो सुख भोग रहे हैं। क्योंकि जो आज कमा लेगा वो अगले जन्म में भी सुखी और इस जन्म में भी सुखी। जो बेचारे दुखी हैं इस जन्म में, उन्होंने कुछ कमाई नहीं कर रखी पिछले जन्म में। कमाई करोगे, अरबों रुपए कमा लो तो जीवन बैठे खाओगे, खाते हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। राम नाम की जो कमाई कर लेगा उसका ये जन्म भी और अगले वाला भी, उन्हें जाने कितने जन्म सुधर जाते हैं। आपने देखा भी होगा एक आदमी पैदा हुआ ठाठ बाट के साथ, पूरा जीवन कुछ भी नहीं करता, ऐसे खाता पीता है और मौज में ही मर जाता है। एक आदमी बेचारा दुख में आता है, सारा जीवन दुखी दुख में मर जाता है। क्यों भाई? राम का नाम लिया नहीं। राम का नाम लिया नहीं, राम का नाम लेता तो सुख भोगता। तो अभी भी आपको बताया जा रहा है
कि राम का नाम जो सत्य है, जो आपके भीतर है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद। इस संसार को मोतियाबिंद हो गया है। जब आपकी आंखों पे मोतियाबिंद हो जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आता नहीं। जब ऑपरेशन हो जाता है तो क्या होता है, स्पष्ट नजर आता है। तो तुलसीदास ये कह रहे कि संसार को भी मोतियाबिंद हो गया है, अगर ऑपरेशन करवा ले तो जो घट में राम बैठा है वो स्पष्ट नजर आएगा। अब ऑपरेशन कैसे होगा, सांसों के भजन से ऑपरेशन होगा। सांसों का जितना ज्यादा भजन करोगे वो स्पष्ट नजर आएगा, जिसके लिए कहा है कि सांसों का ध्यान करते करते, सांसों को देखते देखते सत्य प्रकट हो जाए, और सत्य को देखते देखते सत्य राम नाम प्रकट हो जाए। तो सत्य राम नाम ही है सब कुछ, असत्य है ये जो संसार है ना, ये जलाता है व्यक्ति को। आपको भी पता है जितना फंसोगे संसार में उतना जलोगे, और जितना अंदर उतरना शुरू कर दोगे, अंदर ही राम है, अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, अंदर ही गंगा जमुना सरस्वती पूरा ब्रह्मांड 68 तीर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ भीतर है। एक बार भीतर उतर लो, जिसके लिए संतों ने कहा है इधर उधर क्यों भटके बंदे, अरे सब कुछ तेरे ही अंदर और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर, ऐसा मंदिर है आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, क्योंकि अंदर सारी वो चीजें हैं जो आज तक आपने देखी नहीं, दिव्य। तो अंदर उतरने का तरीका आपको बता दिया गया है, रोज अंदर उतरोगे तो जो सत्य राम नाम उसको जान लोगे, जानने के बाद एक बार बोल देना, कैसी भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, बोलते ही दूर, अपना अपना नहीं दूसरे का भी दुख दूर कर दोगे। आपका तो आज से ही शुरू हो जाएगा कम होना, आज से ही, अभी से। किसी को नींद नहीं आती है, बीपी लो, बीपी हाई, ऑक्सीजन, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सबका इलाज यहां होता है, किससे, श्वासों से।